अच्छा, मैं पूछूं एक बड़ा एक एक सवाल बड़ा एक मैं बड़ा एक एक पूछ लूं, बेसिक सवाल पूछने लगी हूँ एक ये पूछ लूं। जी। आप लोग इतने फिलोसॉफिकल हो नहीं रहे नहीं हैं, मैं चल रहे बेसिक हैं सवाल ये जी। पूछने लगा हूं कि चार पांच बहनों के इकलौते भाई, वर यू नॉट अ स्पॉइल्ड ब्रैट व्हाइल ग्रोइंग अप? मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस हवाले से कि अल्लाह बख्शे, मेरे अब्बा जी ने एग्जाम्पलरी अपनी बच्चियों से मोहब्बत की है बहुत। जिसको लाड और नाज आप कहेंगे, वो उन्होंने अपनी बेटियों से वैसे प्यार किया है। और इतना किया है कि मैं कभी छोटा था तो मैं सोचता था कि मैंने कितने मेले शेले तो नहीं लेके आए, या कि वो एक सारा। लेकिन उसने उसके बहुत ही मस्बत असरात मेरे पे हुए, इसलिए कि मुझे एक तो बहुत ख्वातीन वैसे ही काबिले ताज़ीम हैं और हसीन हैं और उनकी इज्जत होनी चाहिए, और फिर बहन का रिश्ता और घर में होना और उससे आप पे जिम्मेदारी, या जो भी बंदा तो वैसे ही है, लेकिन मुझे लगता है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी आपकी शख्सियत पे, आपकी नशस्तो बरखास्त पे, उठने बैठने में कंसिड्रेशन रहती है। सो आई एम सो ग्रेटफुल अब्बाई का। मैं सोचता हूँ कभी तो मुझे लगता है कि मेरा दिल चाहता है कि वैसे कभी हो सके। जैसे अब मैं सोचता हूँ, आपने पता नहीं रेयर कभी देखा हो, अब मेरे में भी कभी वो आ जाता है ड्रामे वगैरह में, कोई ऐसा कैरेक्टर हो तो मेरे अब्बा हमेशा माथे पे बोसा देते थे, पेशानी पे ना। तो वो फिर आगे जाके पता लगा कि वो पेशानी के तो और बड़े राज हैं, यहाँ से तो कहीं नसीब खुलता है, यहाँ तो कहीं वो एक थर्ड आए का भी एक हिसाब है, और वो सारा तो वो जो एक इजहार होता है ना, वो बहुत बहुत कमाल की बात है। आई रिमेम्बर मेरी कज़न एक बार आई हमारे घर, और वो बहुत सारे उनके भाई हैं, तो वो तीसरे एक रोज़ वो रोना शुरू हो गई। और वो तुमने कहा क्या, तुम याद आ रहा है घर जाना है या क्या मसला है? तो वो अब उसकी हिचकी बंधी हुई, और हिचकी उसकी वो ख़त्म नहीं हो, तो क्या क्या हो गया? कह नहीं, मेरे अब्बा ने कभी माथे पे प्यार नहीं दिया, अंकल आए उन्होंने मुझे मेरे माथे पे प्यार किया, और कभी नहीं कि हम भी बेटियां। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं, या वो जिसे आप सेंसिटिविटी कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो गुदाज जो है वो मेरे अब्बा जी का उनका ही और तोहफा इसने है, शायद आपको उनसे ही आ गई। स्पॉइल्ड उनसे स्पॉइल्ड मेरा नहीं यार होया, मैं स्पॉइल्स में साथ वालों से पूछो, हाँ, वो तो बहनें जानकारों से बताएंगी। पूछो, हाँ उनसे पूछो, वो बताएंगे हाँ हम वो तो क्या बहनें अपने बताएंगी बारे ही। में क्या मेरा कहें। सवाल तो बड़ा बेसिक सा था कि नूर, आप इतने, यू आर सो वेल रेड, और आपके अंदर एक फिलोसॉफिकल डेप्थ भी है। अभी आपने जितनी बातें की हैं वो बड़ी डीप और सेंसिटिव हैं। तो आप, जब स्क्रिप्ट आपके पास आता है टेलीविजन ड्रामे के लिए, तो क्या आप ये सेंसिटिविटी ढूंढते हैं स्क्रिप्ट में? मतलब हाउ डू यू डिसाइड? बिकॉज आप अभी माशाल्लाह, अगर हम गिनना शुरू करें तो करंटली ऑन टेलीविजन यू आर इन कयामत, यू आर इन खुदा मोहब्बत, यू आर इन दिल ना उम्मीद तो नहीं, यू आर इन खासा है दिल, कसाई दिल, यू आर इन एक यार नया ना बिछड़े। यार ना बिछड़े, माशाल्लाह से 5 ड्रामे तो ऑन एयर हैं। तो इज देयर अ थॉट बिहाइंड कि मैंने ये स्क्रिप्ट करना है? कैसे स्क्रिप्ट आप मना करते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, जो एक ह्यूमन सेंसिटिविटी है वो आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी पे ना हावी हो तो काम चलेगा? डेफिनेटली स्क्रिप्ट ही, लेकिन उसके बड़े फेजेस हैं। वो इसलिए कि जैसे मुझे ये लगता है कि जो सबसे अहम किरदार ड्रामे के अंदर है वो डायरेक्टर है। राइटर की एक चीज़ आई, उसने उसको बनाना है, दिखाना है, जो उसने सोचा उसके लिए कौन मौजू रहेगा, कौन कैसा है, उसके ट्रेट्स क्या होंगे, उसकी आउटलुक क्या होगी, वो कैसा दिखता होगा, उसका पस मंज़र क्या है, ये सब कुछ डायरेक्टर करता है। मैं आपके अक्सर कभी शोज़ या बाकी शोज़ देखता हूँ तो माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि वो तो सब कुछ खुद ही कर लेते हैं स्टार जो आपके पास आते हैं, मुंह से आग भी निकाल लेते हैं, कास्ट भी खुद ही हो जाते हैं, सोच भी खुद लेते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उनका प्रोसेस होता होगा यकीनन, लेकिन किसी ने सोचा ये नहीं। आपको अगर आप प्रोडक्शन हाउस की बात करें तो आपको बात सेवन स्काई की करेंगे कि उन्होंने सोचा कि हाँ भाई इसके लिए ये मौजू है जिसको हेड अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी कर रहे हैं, या आई ड्रीम्स में है, या मोमल में है, या एमडी में है, भाभी हैं, वो सब वो सोचे, और फिर उनकी आगे टीम्स हैं वो यही काम ही करती हैं। माजरत के साथ जब ये कोविड का एक सिलसिला हुआ तो उसमें हमारे बहुत सारे लोग जो वो वेरी वेल पेड और सारा बहुत अच्छे स्टार जो सारे, तो मतलब जितना वो चार्ज करते होंगे किसी एक प्ले के लिए, तो जब कोविड आया, जैसे मुझे भी अच्छी तरह याद है, मैं हम भी कुछ थोड़ा प्रोडक्शन का चूंकि करते हैं, काशिफ और मैम कभी साथ में तो पता वता करते हैं, तो पता लगा 2023 तक टाइम नहीं है। ऐसे भी स्टार्स थे उनका, नहीं, 2022 तक तो टाइम ही नहीं है, नो डेट्स। लॉजिक कोविड आ गया, टाइम ही टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा वो जो मैंने कहा था उसमें दो कर लेते हैं। हाँ तो ये जो फ्रटर्निटी है ये सब लोगों के मिलने से चलती है,
यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू द प्रोड्यूसर के जो हाँ फाइनेंसर है वो सब कर रहा है, तो इन सबका रिस्क जुड़ा हुआ है। बिल्कुल और फिर क्रू के जो लोग हैं, मतलब आप मुझे बताएं वो टीवी पे नहीं आते हैं, उनकी तस्वीर नहीं आती, आप उनके बगैर कुछ कर सकते हैं? ये आवाज जो जा रही है, ये सवाल जो ही नहीं पैदा बैठे हैं होता। साउंड रिकॉर्ड, इनके बगैर जाएगा आप? या फोटो जाएगी सही? तो कहने का मकसद ये कि सब जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए रहना चाहिए। तो स्क्रिप्ट की हाँ, स्क्रिप्ट की बात, स्क्रिप्ट ही एक मेन चीज है मेरा ख्याल हाँ आपके इंतखाब के लिए। लेकिन मेरे कराची के सफर में, मुझे जैसे मैं अगर आंगन से शुरू करूँ, जो अगर कराची का हुआ, तो मैं रमजान की ट्रांसमिशन के लिए आया हुआ था। अब मैं और शायस्ता कर रहे थे, वो ए प्लस पे मेरे ख्याल वो ग्रुप एम की पहली थी ट्रांसमिशन। तो कासिम ने मुझे कॉल किया और उसने कहा कि लो भाई जान मैं आना है, वो एक चीज़ है, तुसी मेरे हीरो। वो कासिम का मैंने पहला दिन भी देखा भाई, इज अ डार्लिंग। वो आया तो मैंने कहा भाई तू आ जा अफ्तारी का। उसने मुझे कहा भाई ना 35 दिन थे। मैंने कहा यार मैं तो कराची नहीं कभी रहा हुआ, तो दिस वो इज कहाँ से? व्हेन दिस इज ये आंगन एज दिस इज आंगन, 2016 आंगन, हाँ मेरा वुड ख्याल हाँ वही होगा। तो वो उसने कहा कि बस तुझे स्क्रिप्ट पढ़ो। तो मैंने कहा स्क्रिप्ट मैंने पढ़ना शुरू, स्क्रिप्ट मैंने पढ़ लिया, एंड स्क्रिप्ट वॉज अमेजिंग। अमेजिंग बहुत देर बाद एक फैमिली स्क्रिप्ट और बहुत ही शानदार। तो अब मैंने कहा कराची कौन आएगा, और अब इतने दिन और ये वो, मैं तो बस आता हूँ जाके, किया काम वो। वो जब कर लिया और हो गया आंगन, और एक आंगन अच्छा हो गया, तो अब आपको लगा कि अच्छा अब तो ऐसा ही होना चाहिए। अब स्क्रिप्ट तो फिर सब तरह के आते हैं। तो एक स्क्रिप्ट आया, मैंने कहा नहीं यार ये तो नहीं, दूसरा आया, तीसरा नहीं। तो मेरी बीवी मुझे एक दिन कहने लगी कि वो आपने काम क्या करना है? तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा ये भी आपको पसंद नहीं आता, ये भी आपको पसंद नहीं आता है, ये भी आपने नहीं करना, तो फिर हम ना करें फिर, मतलब। हाँ सो मुझे लगा कि मैं अड्डा केड़ा, मतलब कुछ तरीब को आ रही है, ये मेरे पे ही वो एक आया चला जा रहा है। एंड थैंक्स टू मैरी, हमारी मेहरुन्निसा मुस्तकीम, तो उस वक्त में दीवानगी का एक स्क्रिप्ट आया, और उसके साथ एक स्क्रिप्ट और आ रहा था जो ये था चीख तुम हो भी बजा। अरे चीख तो फिर बाद में, मेरे ख्याल उससे पहले चीख भी वो चीख भी आंगन के उसी में उसमें आया। तो वो ये कहीं पास में दोनों, और लेकिन उससे पहले डरसी जाती है सिला बिल्कुल लाहौर में, और हम कोई और भी कुछ कर चुके थे, मेरी पता नहीं याददाश्त में, लेकिन मैं कराची के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो वो चीख भी बल्कि हो गया था उसमें, चीख भी एक अच्छा चला गया, एक आपको लगा कि जैसे तैसे, जैसे आप लोगों ने भी कहा कि यार आप रोना कब बंद करेंगे, रोते ही रहेंगे, मैं फलाना नहीं रोते हसन जा रहे हैं। ज्यादा कहते और मैं आपको एक और बात बताऊं थे आमना, हैट्स ऑफ टू बदर महमूद। बदर की इतनी अच्छी कॉम्प्रिहेंशन थी स्क्रिप्ट की कि वो पूरे एपिसोड नहीं आए हुए थे, मैंने जितना पढ़ा, तो एक मैंने सीन किया तो उसने मुझे कहा कि आपको पता है कि ये भी आप ज़रा ठहर जाए। मैंने कहा क्या हुआ? अभी तो इससे भी बड़ी ट्रेजेडीज आ गई आगे, वो भी राइटर ने नहीं लिखी। तो हौसला बदर बहुत अच्छा था पिक्चर में, आई एम सो ग्रेटफुल। और मैंने चीख में एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी जिंदगी में पहली बार, और मुझे बाद में पता लगा कि सबा ने भी कुछ उसी तरह का किया। वो मैंने ये किया कि जब मैंने बदर की क्लैरिटी देखी, तो मैंने कहा यार आई नीड टू ट्रस्ट हिम, और मुझे ऐसा करना है कि ये मैंने वो जितना आप पढ़ते हैं ये वो, कि वो पढ़ना है, लेकिन देन एंड देयर पे डिसाइड करना है कि क्या करना है। एंड इट वर्कड, वो तुक्का एक चांस था, मैंने बदर को बताया कि ये मैं कर रहा हूं, तो देख लो कि कैसा होता है। इट वर्क।